मशीर वजीर आजम राना सनाउल्ला का कहना है कि बानी और पीटीआई इसराइली सियासी ब्रांड हैं जिसे इस्लामी टच देकर मकबूल बनाने की कोशिश की गई। राना सनाउल्ला ने एक बयान में कहा कि इसराइली टाइम्स के इंकशाफ पर पीटीआई को जलसियों की नहीं डूब मरने की ज़रूरत है। इसराइली अखबार के इंकशाफ से 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहत मजीद वाजे हो गई हैं। नवाज शरीफ को इख्तदार से निकालने की पूरी कहानी मजमून पढ़कर समझ आ जाती है। अमरीकी कांग्रेस से करारदाद क्यों मंजूर हुई, तानेबाने सामने आ गए। पाकिस्तान समेत हर मुसलमान को इसराइल के सियासी ब्रांड का बॉयकॉट करना चाहिए। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्ला का कहना है कि बानी और पीटीआई इसराइली सियासी ब्रांड हैं जिसे इस्लामी टच देकर मकबूल बनाने की कोशिश की गई। राना सनाउल्ला ने एक बयान में कहा कि इसराइली टाइम्स के इंकशाफ पर पीटीआई को जलसियों की नहीं डूब मरने की ज़रूरत है। इसराइली अखबार के इंकशाफ से 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहत मजीद वाजे हो गई हैं। नवाज शरीफ को इख्तदार से निकालने की पूरी कहानी मजमून पढ़कर समझ आ जाती है। अमरीकी कांग्रेस से करारदाद क्यों मंजूर हुई, तानेबाने सामने आ गए। पाकिस्तान समेत हर मुसलमान को इसराइल के सियासी ब्रांड का बॉयकॉट करना चाहिए।